सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डीजनरेशन एंड ब्रेकडाउन बिटवीन C1 टू C7, गर्दन के C1 से लेके C7 तक आपकी हड्डी घिस रही है, डॉक्टर बोलते हैं आपकी हड्डी घिस रही है और गैप कम हो जाता है, चिकना पदार्थ जो दो हड्डियों के बीच में है ये कम हो जाता है और फिर आपके शोल्डर आर्म्स तक, शोल्डर ब्लेड तक एंड टोटल योर आर्म्स आर इन पेन। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, एक TIS है तो दूसरा SIS है। इंफ्लेमेशन, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, फ्रस्ट्रेशन, हर छोटी छोटी बात में आप इरिटेट हो जाते हो तो समझ जाना कि गर्दन में कहीं सूजन है, C1 से लेके C7 तक, दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। कि अगर सूजन आ गई, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, जब आप बहुत झुक झुक के काम करते, सारा दिन फोन पे बैठे हैं झुक कर, लैपटॉप पे काम कर रहे, सारा दिन झुक कर रहे हैं, देन ऑलमोस्ट आउट ऑफ 170 पीपल आर फेसिंग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। जब आप विदाउट ब्रेक काम करेंगे तो ये दोनों एक साथ आएंगे। जीवन में एक बात जरूर याद रखना कि हर 2 महीने 3 महीने में 2 से 3 दिन की छुट्टी जरूर लेना, अपने आप को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से रिलीज कर देना। अगर सारा दिन काम करते जाएंगे ब्रेक नहीं देंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे अपने आप को, देन यू हैव टू फेस बोथ द प्रॉब्लम्स टुगेदर। अब इसको कैसे ठीक करें, जिनके पास नहीं है अपनी उंगलियों से इसकी मसाज करें गर्दन, जिनके पास है रोलर से मसाज करेंगे एंड रिंग अंगूठे में 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका इतना जो है C1 to C7 कवर करता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अंगूठे को क्या करेंगे, रिंग को, फिंगर रिंग को अंगूठे में घुमाएंगे, रिंग अंगूठे में घुमाएंगे। जिन जिन को भी ये दोनों बीमारी एक साथ है तो इसको हमको क्या करना है, अंगूठे में एक साथ घुमाना दोनों अंगूठे में, जिससे आपके सर्वाइकल का पेन खत्म हो जाता है, स्ट्रेस लेवल काफी नीचे आ जाता है। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कान में साई साई की आवाजें शुरू हो जाती है, तो ये सब ठीक हो जाता है जब आप इस फिंगरिंग को घुमाते हैं एंड साथ में सर्वाइकल रोलर को घुमाते हैं।